नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। देश में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर विवाद भी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, एक बार फिर ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी नेता आमने सामने आ गए। ये विवाद एलन मस्क और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बीच बहस और मुंबई पुलिस के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पैदा हुआ है। आलम यह है कि देश में अब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग उठने लगी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ईवीएम को लेकर इस बार बहस राष्ट्रीय स्तर की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बहस की शुरुआत हुई है दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के एक पोस्ट से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में मस्क ने ईवीएम के हैक होने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने की वकालत की है। सबसे पहले आपको बता दें कि एलन मस्क ने क्या पोस्ट किया था जिससे ये विवाद शुरू हुआ। मस्क ने कहा, हमें इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इसे मनुष्य या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हैक किया जा सकता है। बता दें, मस्क का ये ट्वीट भारत को लेकर नहीं बल्कि अमेरिका को लेकर था। इस ट्वीट के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता बीजेपी पर आक्रामक हो गए। मस्क की इस टिप्पणी के बाद देश के कई दिग्गज हस्तियों ने इस मशीन का इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की वकालत की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, अब यदि दुनिया में आईटी सेक्टर के सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क भी ईवीएम पर अविश्वास कर रहे हैं, यानी कि उसके मैनिपुलेट होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग को इसे संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो इसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे को लेकर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा ही साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। जाहिर है अपने देश में ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाते हैं। एक ईवीएम में 2000 तक वोट डाले जा सकते हैं। एक बार वोट करने के बाद डेटा को 10 साल ज्यादा तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी 10 साल बाद भी पता किया जा सकता है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। ऐसे में शुरू से ही ईवीएम का विरोध किया जाता रहा है। खासकर विपक्षी हर चुनाव में इसे मुद्दा बनाते हैं और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।